खंडवा नगर के यूनियन बैंक एटीएम में लूट की वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है। खंडवा सीएसपी मनोहर सिंह बरिया ने बताया कि बैंक वालों ने एटीएम में खराबी आने पर पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर देखा तो एटीएम का पीछे वाला हिस्सा कटा हुआ पाया गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 1,98,000 रुपयों की लूट हुई है, जिसमें से मात्र 1,000 रुपये एटीएम में बचे हैं। बताया गया कि सीसीटीवी कैमरों के वायर भी पहले से ही काट दिए गए थे, जबकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि लूट किस समय की गई। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। ये बैंक वालों को पता चला कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उनके द्वारा देखा और फिर पुलिस को खबर की तो बताया कि पीछे से कोई कटर से काट के पैसे इसमें से निकाल के ले गए। 1,98,000 के आसपास थे, जिसमें से 1,000 रुपये शेष रह गए, ऐसा बताया बैंक वालों ने। पहले उसने सीसीटीवी के वायर काट दिए और इस तरह से पूरा, प्राथमिकी में क्या नजर आ रहा है सर? बस वही ये जो एटीएम की पूरी जानकारी रहती है, वही इस तरह की घटना अंजाम कर सकते हैं। अब उसमें सीसीटीवी के आधार पे और इस आधार पे हम लोग फुटेज निकाल के, अब रात में हर एटीएम पे हर आदमी थोड़ी खड़ा हो पाएगा, इसी आधार पे पुलिस गश्त करती रहती है। अब ये किस समय घटना हो गई, रात के समय हुई है, इसकी पूरी जांच करके पता लगाया जाएगा इसका।